मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब का जो लाल बटन है उसे क्लिक कीजिए और उसे क्लिक करने पर एक घंटी आएगा, उस घंटी को क्लिक कर लीजिए ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ पीनट बटर, जो बिल्कुल ऑयल फ्री एंड शुगर फ्री है और जो प्रोटीन और फाइबर से पैक्ड है। पीनट बटर के बहुत सारे फायदे हैं, जो लोग डाइट करते हैं उनके लिए तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है। पीनट बटर हमें लंबे समय तक भूख लगने नहीं देती है। पीनट्स हमारे हार्ट के लिए भी बहुत अच्छा होता है। जितने भी फैट पीनट बटर में पाई जाती है वो हार्ट हेल्दी मोनोसैचुरेटेड फैट है। मोनोसैचुरेटेड फैट वो फैट है जो हमारे बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करती है। तो चलिए हम बनाते हैं। मैंने यहाँ पे लिए है 250 ग्राम के लगभग पीनट्स, जिसको मैंने अच्छी तरह से ड्राई रोस्ट कर लिया है और इसका छिलका भी मैंने निकाल लिया है। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, कुछ कुछ छिलका यहाँ पे है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा हमारा पीनट बटर पे। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। पीनट बटर बनाने के लिए हमें एक मिक्सर ग्राइंडर की जरूरत है, जो बिल्कुल साफ और ड्राई हो, बिल्कुल भी पानी इसमें ना हो। उसके बाद हम अपना रोस्टेड पीनट्स को यहाँ डाल देंगे। जार को बंद करके 20 से 30 सेकंड्स हम ग्राइंड कर लेंगे। अब हम इसको चेक कर लेंगे। ये देखिए, ये रफली ये हो चुका है, पूरी तरह से फाइन नहीं हुआ है। अब इस स्टेज पे हम डालेंगे अपना टेस्ट के अनुसार नमक, ताकि बटर हमारा थोड़ा सॉल्टी टेस्ट आए। इसके बाद हम डालेंगे हनी, 4 से 5 टेबलस्पून हनी। फिर से हम जार को बंद कर लेंगे और फिर से हम 20 से 30 सेकंड्स ग्राइंड कर लेंगे। और हाँ, एक बात का याद रखिए, 20 से 30 सेकंड्स कंटिन्यूअसली आप इसे ग्राइंड मत कीजिए। आप बीच बीच में अपना मिक्सर ग्राइंडर को ऑफ कीजिए, उसके बाद फिर से ग्राइंड कीजिए, ऑफ कीजिए, फिर से ग्राइंड कीजिए, इस तरह से। अब हम एक बार इसे चेक कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं पीनट्स हनी के साथ मिक्स होके अपना तेल छोड़ना स्टार्ट कर दिया है। ये देखिए, हमें इसे और 30 सेकंड्स तक ग्राइंड करना है ताकि ये पूरी तरह से अपना तेल छोड़ दे। अब हम एक बार फिर से खोल के देखते हैं और ये देखिए हमारा बटर स्मूथ फाइन पेस्ट बन चुका है। थोड़ा सा रफ है अभी तक ये। फिर से हम थोड़ा सा इसको ग्राइंड कर लेते हैं। इस तरह से मैंने 4 से 5 बार इसे ग्राइंड कर लिया है थोड़े थोड़े समय के लिए। अब हम इसे खोल के चेक करते हैं। ये हमारा पीनट बटर बन गया है। अब हम इसे एक जार में निकाल लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, कितना अच्छा लग रहा है ये पीनट बटर देख के। इसमें मैंने बिल्कुल ऑयल का इस्तेमाल नहीं किया है। इसमें आप जो भी ऑयल देख रहे हैं ये पीनट बटर का, सॉरी पीनट का अपना ऑयल है। आप अगर आप ऑयल यूज करना चाहते हैं तो आप एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल इस्तेमाल करें। अब मैं इसे एक जार में शिफ्ट करूंगी। तो फ्रेंड्स, अगर आज का मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज एक लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ, और कमेंट भी जरूर कीजिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए रेसिपी के साथ। थैंक यू।